वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन यानी कि आपने अपने टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है बाय ए नॉट समेशन एन वन से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी से। हमने अपने पीरियोडिक सिग्नल एफ टी को इस फॉर्मूले से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें ए नॉट ए एन और बी एन को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला है, ए नॉट को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है 1/T इंटीग्रेशन फंडामेंटल पीरियड पर यानी -T0/2 से +T0/2 या 0 से टी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। वहीं पे ए एन को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है 2/T इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। बी एन को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है 2/T फंडामेंटल पीरियड, अगर टी नॉट है तो यहाँ पर टी नॉट लगेगा, इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूले हमें कहाँ से कैसे मिलते हैं, इसका ही एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन करने के लिए जो बेस लिया जाता है वो है ये सीरीज। ये सीरीज हमें कहती है कि एफ टी की वैल्यू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी के बराबर है। अब इस सीरीज की सहायता से हम पहले कैलकुलेट करेंगे an a नॉट को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला, फिर हम एस्टीमेट करेंगे an को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला एंड देन bn। शुरुआत करते हैं a नॉट से। a नॉट को कैलकुलेट करने के लिए ये जो पूरी सीरीज हमें दी गई है इसके दोनों साइड्स का, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उस केस में लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी और ये इंटीग्रेशन है फंडामेंटल टाइम में, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी के। तो दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने एक्सपोनेंशियल अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम जब इंटीग्रेशन को अलग अलग करें सारी टर्म्स के लिए तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट डी टी, इंटीग्रेशन है यहां पर डी टी आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट डी टी प्लस समेशन वन से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये इंटीग्रेशंस भी फंडामेंटल टाइम पर हैं। तो जब हम इस पूरी सीरीज पर लगा देंगे इंटीग्रेशन तो तीनों टर्म्स को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन जब हम तीनों टर्म्स का करेंगे उस केस में ए नॉट कॉन्स्टेंट है, इसमें टी वेरिएबल नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट की तरह ही बिहेव करेगा। आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो हमने ए नॉट को ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर। अब बचा
वन इंटू डी टी, मतलब वन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद प्लस समेशन वन से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पर ए एन भी कॉन्स्टेंट है, आप इंटीग्रेशन से इसे बाहर लेंगे, ये हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इसके बाद इस इंटीग्रेशन में बी एन कॉन्स्टेंट है, बी एन को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, हमें ये इक्वेशन मिली। हमने इसमें क्या किया, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं जो टी से इंडिपेंडेंट हैं उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब इसके बाद इस पूरी इक्वेशन में ये टर्म कैलकुलेट कर रही है कॉस एन ओमेगा नॉट टी को इंटीग्रेट करके फंडामेंटल पीरियड में। मैथमेटिकली जब आप किसी कॉस या साइन को उसके फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट करते हैं, यानी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू या जीरो से टी, अगर आप किसी भी कॉस को या साइन को फंडामेंटल टाइम में इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा मिलता है जीरो, ये मैथमेटिकल रूल है। तो अब हम यहाँ पर कॉस को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल टाइम पर, तो ये रिजल्ट हमको दे देगा जीरो। यहाँ पर हम साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फंडामेंटल टाइम में, जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा जीरो। तो अब हमारे पास समेशन के बाद वाली पूरी सीरीज हो गई है जीरो। जो नॉन जीरो एलिमेंट बचा है वो है ए नॉट इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड वन इंटू डी टी। जब हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, तो हमें मिलेगा ए नॉट इंटू टी नॉट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ए नॉट इंटू टी नॉट के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ए नॉट टी नॉट के बराबर है। तो अब अगर हम टी नॉट को ले ले दूसरे साइड पे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ए नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी नॉट इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड एफ टी डी टी, जो हमारी पहली इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन का हम इस तरह से करते हैं डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन करेंगे ए एन के लिए। ए एन के लिए डेरिवेशन करते समय हम इस पूरी इक्वेशन में, जो कि है एफ टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, इस पूरी इक्वेशन में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एम ओमेगा नॉट टी का, जहां पर एम कोई कांस्टेंट है। तो हम पहले इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस एम ओमेगा नॉट टी का, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल पीरियड पर, यानी हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी का। अब जब यही पूरा काम हम दूसरे साइड पर करते हैं, तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस समेशन वन से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, मतलब ये पूरी टर्म, इंटू कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी।
हम जब राइट हैंड साइड की पूरी इक्वेशन में कॉस एम ओमेगा नॉट टी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल पीरियड पर, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ए नॉट कॉस एम ओमेगा नॉट टी को फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ए नॉट है कांस्टेंट, जिसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इस केस में ये टर्म हो जाएगी कॉस एम ओमेगा नॉट टी डीटी का, कॉस एम ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन। और हमने अभी देखा कि साइन या कोसाइन को अगर हम फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट हमारा होता है जीरो, यानी ये टर्म हमको रिजल्ट देगी जीरो, तो हमने इसे पहले ही कैंसिल कर दिया। इसके बाद कॉस एन ओमेगा नॉट टी कॉस एम ओमेगा नॉट टी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमैट्रिक फॉर्मूलों को यूज करके। हमें पता है कि कॉस ए कॉस बी होता है वन अपॉन टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के। कॉस ए कॉस बी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है वन अपॉन टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू है एन ओमेगा नॉट टी, बी की वैल्यू है एम ओमेगा नॉट टी। ये हमारा ए के इक्विवेलेंट है, ये हमारा बी के इक्विवेलेंट है। तो जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए एन को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ए एन कॉन्स्टेंट है, तो बाद में हम बाहर ले लेंगे। हमें मिलेगा कॉस ए कॉस बी के बदले मिल जाएगा वन अपॉन टू कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो मिलेगा एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कॉस एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर हमने कॉस ए कॉस बी की जगह पर रख दिया है वन अपॉन टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को। इसके बाद आगे का जो सिंप्लीफिकेशन हमारे दूसरी टर्म के लिए होगा, तो दूसरी टर्म में हम देख रहे हैं साइन ए कॉस बी जैसा फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन ए कॉस बी फॉर्मूला बनता है वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको हम यूज करेंगे अब आगे के सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल पीरियड बी एन बाय टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी साइन एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी। ये आपका इसके बाद लगेगा डी टी और यहाँ पर भी लगेगा डी टी, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल टाइम पे तो रिजल्ट हो जाएगा जीरो। दूसरी टर्म जो समेशन के बाद इंटीग्रेशन के साथ है वो है
कॉस ए कॉस बी वाली, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी से, प्लस प्लस दूसरी टर्म जो इंटीग्रेशन के साथ है वो है साइन ए कॉस बी वाली, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी से। अब इस सिंपलीफिकेशन के बाद हम इंटीग्रेशन को ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इस इक्वेशन में हम इस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स में करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे, हमें ये एक्सप्रेशन मिल चुका है तो हम यहाँ पर रखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, ए एन कॉन्स्टेंट है तो ए एन बाय 2 को हम ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन ओवर फंडामेंटल टाइम फॉर कॉस एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी प्लस इंटीग्रेशन फंडामेंटल टाइम में कॉस एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी विथ डी टी, ये ए नॉट बाय 2 के साथ हो गया। दूसरे पार्ट में हम बी नॉट बाय बी एन बाय 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा साइन एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी डी टी, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। हम जब इंटीग्रेशन को सारे पार्ट्स पे अलग अलग कर देंगे, मतलब ब्रैकेट को खोल देंगे, उस केस में हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस केस में ये इंटीग्रेट कर रहा है कॉस को, ये भी इंटीग्रेट कर रहा है कॉस को, ये साइन को और ये साइन को। हमें पता है कि कॉस या साइन को अगर हम फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा जीरो मिलता है। अब ये कॉस और साइन को अगर हम इंटीग्रेट करें जब एन की वैल्यू एम के बराबर ना हो, एन की वैल्यू अगर एम के बराबर नहीं है, उस केस में यहाँ पर कोई कांस्टेंट मिलेगा, 3, 4, 5 ऐसा कुछ कांस्टेंट यहाँ पर मिलेगा, उस केस में आपको एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन मिलेगा कॉस के लिए, जिसे आप फंडामेंटल पीरियड पे इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आपको जीरो मिलना है। सेम कंसेप्ट इन तीनों पर भी लगेगा, अगर एन की वैल्यू एम के बराबर नहीं है तो ये सारे आपको रिजल्ट में देंगे जीरो, तो आपका टोटल रिजल्ट इधर का हो जाएगा जीरो। अब अगर एन की वैल्यू एम के बराबर है तो क्या सिचुएशन होगी? अगर एन की वैल्यू एम के बराबर है तो मान लीजिए हमने एक्सप्रेशन में एम की जगह पर एन रख दिया, दोनों वैल्यूज बराबर है, कोई भी रख सकते हैं हम, तो हमने एन की जगह पर एम रख दिया, तो जब हम एम की जगह पर एन रख दिया तो यहां पर हमने रख दिया एन, ये टर्म देगी हमें जीरो, ये टर्म हमें देगी 2n, यहाँ पर ऑर्ग्यूमेंट इसका 2n हो जाएगा, इसका भी 2n हो जाएगा और ये टर्म हमें मिलेगी जीरो। ठीक है, तो अब जब हमने n की वैल्यू को m के बराबर कर लिया, ये मिल जाएगा cos 2n ओमेगा नॉट t, यानी एक कोसाइन वेव। जब हम इस cos 2n ओमेगा नॉट t को फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में हमें रिजल्ट जीरो मिलेगा, हम बात कर रहे हैं एन इज इक्वल्स टू एम की। फिर ये दूसरी टर्म है कॉस जीरो, कॉस जीरो यानी हमें ये रिजल्ट देगा 1। साइन 2n ओमेगा नॉट टी डी टी, साइन है फंडामेंटल पीरियड पे इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट में ये हमें जीरो देगा, ये भी जीरो दे चुका है। ये है साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो मतलब ये भी जीरो हो जाएगा,
तो अब जब हम n इज इक्वल्स टू m करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट हमें मिल रहा है जहां पर n की वैल्यू m के बराबर है। तो जहां n की वैल्यू m के बराबर है, मतलब एक पॉइंट हम ले रहे हैं, तो एक पॉइंट में समेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो है ए एन बाई टू, ये कैंसिल हो गया क्योंकि कोसाइन का इंटीग्रेशन रिजल्ट जीरो देगा। ये बचा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं, यहां पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जीरो ओमेगा टी मतलब वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी टी, ये जीरो ये जीरो, तो आगे कोई टर्म लिखने की जरूरत हमें नहीं है। यानी हमें मिल रहा है ए एन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल पीरियड पे तो हमें मिलेगा ए एन टी नॉट बाय टू, ए एन टी नॉट बाय टू हमें मिलेगा। तो इससे हम ए एन की वैल्यू को लेने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए टी नॉट बाय टू को दूसरे साइड पर भेजते हैं, तो वो बन जाएगा टू अपॉन टी नॉट, बाकी इक्वेशन है एफ टी कॉस, अब एन की जगह पर एम आएगा क्योंकि हमने कंडीशन जिस पे हमें नॉन जीरो रिजल्ट मिल रहा है वो है एन इज इक्वल्स टू एम, तो एम की जगह पर एन आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा टू अपॉन टी नॉट एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हमने डराइव कर लिया। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर हम तीसरे फॉर्मूले का भी डेरिवेशन करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें डराइव करना है तीसरा फॉर्मूला, यानी बी एन का फॉर्मूला। बी एन के फॉर्मूले के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को, यानी एफ टी की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एम ओमेगा नॉट टी से और करेंगे इंटीग्रेट फंडामेंटल टाइम पर। बिल्कुल वही काम जो हमने इससे पहले किया है, यानी हम इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल टाइम पर ए नॉट प्लस समेशन वन से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एम ओमेगा नॉट टी से और करेंगे इंटीग्रेट। तो हमने दोनों साइड्स को कॉस एम ओमेगा नॉट टी से, जहां पर एम कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया है और इंटीग्रेट किया है। तो अब इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं इसे हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंप्लीट, ये पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी, पहली टर्म आ गई, प्लस समेशन फ्रॉम एन वन से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू, यहां पर साइन का मल्टीप्लिकेशन है, ये टर्म है हमारी साइन एम ओमेगा नॉट टी, कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन एम ओमेगा नॉट टी डी टी, पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस इंटीग्रेशन फंडामेंटल पीरियड पर बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन एम ओमेगा नॉट टी डी टी। हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा जब हम सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम करेंगे सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो टर्म कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ए नॉट आपका कांस्टेंट है जिसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। उस केस में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस एम ओमेगा नॉट टी का, कोसाइन या साइन फंडामेंटल टाइम में इंटीग्रेट होंगी तो रिजल्ट आपको देंगी जीरो, यानी ये टर्म हमें देने वाली है जीरो रिजल्ट, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचा समेशन एन वन से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी साइन एम ओमेगा नॉट टी। कॉस ए बिल्कुल वही काम जो हमने पहले किया है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी हमें देगी कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बनेगा वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब हम कॉस ए साइन बी की जगह पर ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट जब रखेंगे तो हमें मिलेगा ए एन बाई टू, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, हमें मिलेगा ए एन बाई टू इंटीग्रेशन फंडामेंटल पीरियड पर साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी डी टी, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया इस पूरे के बदले। अब यहां के बदले हमें क्या मिलना है, हम आगे लिखते हैं प्लस साइन ए साइन बी। हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी हमें देता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वहीं पर कॉस ए माइनस बी हमें देता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी को हम कैलकुलेट करेंगे बाय वन अपॉन टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी से। तो अब यहाँ पर ए और बी है, हम सिंप्लीफाई करेंगे बी एन चूंकि कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हम इसे ले सकते हैं और आएगा बी एन बाय टू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी एन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी एन माइनस एम ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस दिस टर्म इज माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एन प्लस एम ओमेगा नॉट टी डी टी। हम जब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रखेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन को अगर हम बाय पार्ट्स करें या पहले भी एनालिसिस कर सकते हैं चूंकि अभी अपन ने एनालिसिस किया था, तो अब जब हमारे इन सारे सिग्नल्स में एन की वैल्यू एम के बराबर नहीं है, एन इज नॉट इक्वल टू एम, एन की वैल्यू एम के बराबर नहीं है, तो उस केस में जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे सारी टर्म्स में, यही थ्योरी लगेगी कि जब आप इन चारों में से किसी को भी इंटीग्रेट करोगे तो
उस केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि साइन या कोसाइन को जब हम फंडामेंटल पीरियड पर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रिजल्ट जीरो मिलता है। तो अगर एन की वैल्यू एम के बराबर नहीं है तो सारी की सारा रिजल्ट हो जाएगा जीरो। अगर एन की वैल्यू एम के बराबर है तो अब हम एम की जगह पे रखते हैं एन को। एम की वैल्यू एन के बराबर है तो इस समेशन का कोई मतलब नहीं, हमने इसे कैंसिल कर दिया। एन की वैल्यू एम के बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2n, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा फिर से 0 और ये हो जाएगा 2n। तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे साइन 2n ओमेगा नॉट टी को, साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब, तो ये हमें रिजल्ट देगा 0। इसके बाद साइन जीरो का मतलब जीरो, तो ये हमें रिजल्ट देगा जीरो। इसके बाद कॉस जीरो यानी हमें रिजल्ट में मिलेगा वन। कॉस 2n ओमेगा नॉट टी को इंटीग्रेट करेंगे फंडामेंटल पीरियड में तो ये भी रिजल्ट देगा हमें जीरो। तो अब हमारे पास क्या बचा? इन सारी इक्वेशंस में से हमारे पास बच रहा है बी एन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जीरो ओमेगा नॉट टी मतलब कॉस वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ टी फंडामेंटल टाइम। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी एन टी नॉट अपॉन टू। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, अब यहाँ पे आप एन की जगह एम, एम की जगह पे एन रख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी बराबर हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन फंडामेंटल टाइम पे है तो ये बराबर हो जाएगा बी एन टी नॉट बाय टू के। हम इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें मतलब एक साइड पे हम ले लेते हैं बी एन और इस टी नॉट बाय टू को हम भेज देते हैं दूसरे साइड, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा बी एन इज इक्वल्स टू टू अपॉन टी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इंटीग्रेशन है फंडामेंटल पीरियड पे मतलब कि ये तीसरी वाली इक्वेशन। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमैट्रिक फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं।